जो मेरे सामने मैं कह रहा था वही हो रहा है, जो असलियत मैं नकाब के उतारने की बातें कर रहा था वो खुद ही खुल रहे हैं और सामने आ रहा है। और मैं खुश हूँ कि जो मैं कह रहा था जो लोग मान नहीं रहे थे और अब वही असलियत सामने आ रही है एकदम ही कुछ ही दिनों में। जिक्र है तो और कोई दोस्त एक राजीव है अपना ऊपर और विकास क्या कुछ फीलिंग है अभी बॉस के बाहर क्या फीलिंग है? ऐसी फीलिंग है कि आपको थोड़ा बहुत यूज टू हो रहा हूँ, वापस रियलिटी चेक आ रहा है और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आपके आपके सूट को लेके काफ़ी आपका एक सूट काफ़ी चर्चा में है, गुंजन मैम के ट्वीट के थ्रू भी हमें देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उस ट्वीट को गलत दिया गया है क्योंकि जो उसका पर्सनल अटैक नहीं था, बट एक बहुत जाहिर सी बात है कि मेरे कुछ कपड़े किसी को मिले गए थे वो अंदर पे डिस्प्लेस हुए हैं, निश्चित हुआ है, ये कुछ नहीं पता क्योंकि जो अभी तक पता लगा है जो हमारी जो टीम है उनके हिसाब से तो बिल्कुल सब सही है। अब हमारे पास चूँकि फुटेज नहीं है तो हम पता नहीं कर सकते कि किसकी गलती है या नहीं है, बट आप जब एक चीज़ को ढूंढ रहे हो उसमें तो भी और भी सामान है जो नहीं मिला है, परफ्यूम्स है, टी शर्ट्स हैं और सब है काफ़ी चीज़ें। और जब ऐसे ही जब गुंजन ने मुझे देखा और ये काफ़ी सारी चीज़ें क्या होता है कि जब हम बाहर आ जाते हैं तो आपको जब टैली होता है सामान तो आपको पता लगता है कहाँ है या नहीं, और अगर कुछ ने मेरे होते हुए पहना होता तो वही पता लग जाता क्योंकि मैं पहचानता था सूट तो वहीं पर मिल जाता अच्छा रहता यार, मेरे सामने पहन लेता मुझे मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, मैं क्या बाकी भी सामान मुझे मिल जाता। बट मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ उसको पर्सनल अटैक नहीं था, गेम के दौरान जो मुझे लगा उसके बारे में उसको मेरे बारे में लगा उसको काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनली ले लिया, बट जो रियलिटी है वो ये है कि मुझे उससे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। बाकी आपके आते ही काफ़ी इंफेक्शन बदल चुके हैं। हाय राजेश, एक्सेलेंट, वेलकम बैक, सो मच। हाँ तो ये है, बट थैंकफुली वो चीज़ भी सॉर्ट हो गई क्योंकि टीम जो है वो सेट करी, अभी भी हमारा काफ़ी सारा सामान है वो नहीं, और अभी ही बात है अगर वो मिल जाए और कुछ हो तो हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है। आपके आते ही घर के इक्वेशंस काफ़ी बदल चुके हैं, आज शिव प्रोमो में देखने को मिला, शिव जो है वो सुंबुल को नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ जो मेरे सामने मैं कह रहा था वही हो रहा है, जो असलियत मैं नकाब के उतारने की बातें कर रहा था वो खुद ही खुल रहे हैं और सामने आ रहा है। और मैं खुश हूँ कि जो मैं कह रहा था जो लोग मान नहीं रहे थे और अब वही असलियत सामने आ रही है एकदम ही कुछ ही दिनों में, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। ये मुझे था पहले भी था, अभी तो और भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब एंड ईयर हो रहा है तो आपको देखने को मिलेगा कि और कितनों की कितनी सारी सच्चाई बाहर निकलती है। एंड बट एनी वे मैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, छोटा रहा बेस्ट पर रहा, बट आई एंजॉयड माई स्टेटमेंट एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू। और आज का क्या प्लान है? आज के प्लान ये है हम कुछ अच्छा सा जापानीज खाना खाने आए हैं, माई फ्रेंड बहुत उससे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। राजीव, हाउ इट फील्स आफ्टर सीइंग विकास आफ्टर द बिग बॉस हाउस? आई थिंक आई इनफैक्ट वाज गोइंग इन, तो मैं उसको मिलने वाला घर के अंदर, बट नहीं हो पाया, बट तो यू नो व्हाट, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड गेम, आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग इन नाउ, सो मच सरप्राइज इज आल्सो अभी आई तो अभी तक टिकने वाला था घर में, बट राजीव आप जब घर पे गए तो आपके घर के जाने से भी काफ़ी कुछ उधर माहौल बन गया था काफ़ी अच्छा, जिसके प्रियंका ने एक कमेंट किया था, शायद आपको मालूम भी होगा, द मोमेंट यू हग्ड अर्चना फ्रॉम बैक। क्या हुआ मतलब? तो करना ही था मुझे, हम नौ लोगों ने क्रिएटिव बनाया था कि हम उसको सरप्राइज करेंगे पीछे जाके, तो वो थोड़ा मतलब जो देखा कि नहीं था तो शांत हो गया था। दर्शकों ने देखा है, उन्हें पूरा भरोसा है आप, डोंट वरी। और रेस्ट अभी क्या लग रहा है? अभी विकास के आने के बाद से जो इक्वेशन बदले हैं, जिस हिसाब से कुंबुल नॉमिनेट हुई है शिव ठाकरे के द्वारा, आज के प्रोमो में देखने को मिला कुंबुल को नॉमिनेट किया शिव ठाकरे ने, शिव ठाकरे ने, शिव ने किया कुंबुल को, कुंबुल को शिव ठाकरे सब लोग आगे जाना ही है, तो अभी ये टाइम आ गया है कि सबको मतलब पटना पड़ेगा सबको आगे जाने के लिए, तो आई थिंक इट्स हिज चॉइस, बट आई थिंक एवरीवन्स गुड प्लेइंग नाउ, सब गए अच्छे सब अच्छे, एंड आई विश यू एवरीवन द बेस्ट। आई एम श्योर, आई डोंट नो सम मूव्स, आई मीन देखा ही नहीं एपिसोड, तुम लोग मुझे बोलो, मुझे पता नहीं।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गाइस, हैव फन।